गाइस ऐसा हीटर आप घर पर ही आसान तरीके से बना सकते हो। करंट प्रूफ हीटर है, बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा आपको, हीट बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। मात्र 80 रुपये में ये हीटर बन जाएगा और इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा A to Z, तो वीडियो को पूरी देखना। हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे रूम हीटर। वीडियो काफ़ी अच्छी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। तो दोस्तों, हमने पहले 3 कैन ले लिए हैं, उसमें पहले हम नेल से होल करेंगे ताकि जो उसकी गैसेज हैं वो निकल सकें, ताकि जब हम इस पर ग्राइंडर से काटें इसको तो उसकी जो चिंगाई निकलती है उसकी वजह से इसमें ब्लास्ट ना हो जाए, तो इसलिए हम पहले इसमें नेल करके इसकी गैसेज को निकाल लेंगे बाहर। पहले आपको पहली कैन लेनी है, उसको ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से काटना है, और जो 2 कैन बची है उसको ऊपर से काटना है, और काटने के बाद सैंड पेपर की सहायता से जो उसके सारे पेजेज हैं उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो हम करके दिखाते हैं आपको जल्दी से। ठीक है, तो हमने तीनों कैनों को सही से काट लिया है और सैंड पेपर से सही से हमने इनको घिस लिया है, कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा ये। और हमने जो इनका पेंट है ऊपर का, पेंट भी हमने छुटा लिया है ताकि हम इस पर सोल्डिंग कर सकें, और इन तीनों कैनों को हमें आपस में जोड़ना है ताकि हमें एक बड़ा फ्रेम मिल सके। और बड़ा फ्रेम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हम हीटर की रॉड लगाएंगे वो दोनों रॉड आपस में लग जाए, सही से फिट आ जाए इस फ्रेम के अंदर। हमने सोल्डिंग पेस्ट का यूज़ किया है इसमें सोल्डिंग करने के लिए, और इसके बिना भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और आप देख सकते हो कैसे एकदम मस्त सोल्डिंग हो रही है इस पर। इसकी सीट है काफ़ी पतली है तो सही से सोल्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी सोल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, तीनों कैन एकदम परफेक्ट तरीके से जुड़ चुकी हैं। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सोल्डिंग हुई, कितनी मजबूत सोल्डिंग हुई है, ऐसी आपको सोल्डिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम मार्किंग कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर हीटिंग रॉड लगा सकें। ठीक है दोस्तों, जल्दी से हम काट के आपको दिखाते हैं। तो हमने कुछ ऐसे काट लिया है, आप देख सकते हो उसकी शार्पनेस है, हमने सैंड पेपर से सही से घिस के खत्म कर दिया है, और ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है आपको। और यहाँ से हमने हैमरिंग करके इसको थोड़ा उठा दिया है ताकि हम यहाँ पर स्विच लगा सकें। दोनों तरफ हमने कराया ऐसा, देख सकते हो आप। हमने दोस्तों इसमें इंडिकेटर स्विच का यूज़ किया है, ये कम एम्पेयर के हैं, आपको थोड़े ज़्यादा एम्पेयर के यूज़ करने हैं ताकि काफ़ी दिन आप इसको यूज़ कर सको। जो ये वाले हमने यूज़ कर रहे हैं ये जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो आपको ज़्यादा एम्पेयर के स्विच का यूज़ करना है, और या फिर जो घर में स्विच यूज़ होते हैं वाले आप यूज़ कर सकते हो, स्विच जो बोर्डों में लगते हैं। दोस्तों, हम इसमें 2 हीटिंग रॉड का यूज़ कर रहे हैं, और जो हमें 1 हीटिंग रॉड पड़ी है वो 40 रुपये की है, मतलब 2 हैं 80 रुपये की है ये। और दोस्तों, इसकी जो पावर रेटिंग है वो 1 हीटिंग रॉड की 400 वाट है, और 2 हीटिंग रॉड आप यूज़ करोगे तो 800 वाट हो जाएगा। आप सिंगल का यूज़ करोगे तो 400 वाट, और डबल का यूज़ करोगे तो 800 वाट। तो दोस्तों, ये दोनों हीटिंग रॉड है, आप देख सकते हो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है वो लाइट वैसे दिख रहा है, असल में एकदम वाइट है। तो हमने कुछ ऐसी क्लिप बना ली है, आप देख सकते हो, ताकि हम इसमें हीटिंग रॉड लगा के और फ्रेम में लगा सकें। तो दोस्तों, ये आसानी से क्लिप बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारे पास वेस्ट कैन बची थी हमने उससे बनाया है, और ये आप आसानी से बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने इसको बना के इसलिए नहीं दिखाया ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, क्योंकि ये इतनी सारी क्लिप है, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा इसको बनाने में, तो हमने वो नहीं दिखाया आपको। तो चलिए, हम क्लिप में हीटिंग रॉड को लगा लेते हैं और स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देते हैं ऐसे कुछ, आप देख सकते हो ऐसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और ऐसे हम इसको भी कस लेते हैं, सही से टाइट कर लेते हैं, और उसके बाद हम फ्रेम में लगाएंगे इसे। और ऐसे हमने हीटिंग रॉड में क्लिप लगा ली है, और उसके बाद हमने 3 होल करे हैं, और यहाँ पर हमने वायर ग्लैंड लगा दिया है, और ये हीट रेजिस्टेंट वायर ग्लैंड है, आप देख सकते हो सही से हमने लगा दिया है, क्योंकि हम वायरिंग सारी बाहर रखेंगे, अंदर रखेंगे तो जल सकती है, इसलिए हम सारी वायरिंग बाहर रखेंगे। हमने ये वायर ले लिया है, आपको हैवी वायर लेना है थोड़ा, और हमने यहाँ पर लगा देंगे इसमें। और हम पहले
जो कॉमन कनेक्शन है वो करेंगे, फेस के और न्यूट्रल कॉमन कनेक्शन है वो करेंगे पहले, जो कि दोनों स्विचों में जाएंगे। फेस हमारा बीच में आ गया और इधर भी हमारा दोनों में फेस आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। अब हमारा न्यूट्रल स्टेट लगा रहे हैं ताकि जो हमारा इंडिकेटर स्विच है उसमें पावर चली जाए, क्योंकि इंडिकेटर स्विच के लिए फेस और न्यूट्रल दोनों चाहिए, ठीक है। तो हमने ये नीचे वाले में कनेक्ट कर दिया है और इधर भी हमने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो। अब हम हीटिंग रॉड के कनेक्शन करेंगे। हमें पहले दोनों हीटिंग रॉड के एक एक टर्मिनल को आपस में कॉमन कर लेंगे ताकि हम यहाँ पर न्यूट्रल दे सकें। और हमने कैन की सीट से एक कनेक्टर बनाया है जिसमें हमने दोनों तरफ होल्ड कर दिया है और इनको हम कॉमन करेंगे इसी से, ठीक है। ऐसे आपको कॉमन कर लेना है, दोनों हम नट कस देंगे और नीचे हम सोल्डिंग कर देंगे। और यहाँ पे हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है जो कि हम आगे आपको बताएंगे कैसे वो गलती को सुधारा जाए और हमें क्या करना चाहिए। पहले हम इसमें कनेक्शन करते हैं, उस गलती को बताते हैं क्या हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नट कस के प्रॉपर तरीके से नट कस देना है, ना तो यहाँ पे स्पार्किंग होगी तो यहाँ से ये गल सकता है तार, ठीक है। दोनों तरफ आपको ऐसे ही कर लेना है जैसे कि हमने ऐसे कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोल्डिंग कर लेनी है और यहाँ पर हमारे कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसको हम फिक्स करते हैं फ्रेम में और गलती आपको बताते हैं क्या हुई है। जब हम इसको फिक्स कर रहे थे इसके अंदर तो यहाँ पे ये थोड़ी दिक्कत कर रहा था क्योंकि जो कनेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। तो हमने इस कनेक्टर को निकाल के डायरेक्ट हमने इसमें कनेक्शन कर दिए हैं। और हीटिंग रॉड को फ्रेम में लगाने से पहले हमें पहले ही सोल्डिंग करनी पड़ेगी स्विच में, ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। और ऐसे हमने पहले ही होल्ड कर रखा था बॉडी में, तो हमने ऐसे नट बोल्ट की सहायता से इसको प्रॉपर तरीके से कस दिया जैसे कि आप इस वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे ही रॉड को फिक्स कर देना है और ऐसे करंट भी नहीं आएगा और आप देख सकते हो। और जो बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सोल्डिंग करके नट कसा है। पहले हमने डायरेक्ट कनेक्टर लगाया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, ठीक है। तो हमने ऐसे करके कुछ करा है। और यहाँ पर आपको नट जरूर कसना है और डायरेक्ट सोल्डिंग पे नहीं छोड़ना, ना तो जब हीट होगा तो ये वायर निकल जाएगा, तुरंत पिघल के निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हीट होती है रॉड थोड़ी सी, जो उसका बोल्ट है वो भी थोड़ा हीट हो जाता है जिससे कि ये पिघल सकता है। तो आपको ऐसे नट बोल्ट से ही टाइट करना है। और दोस्तों हमने सारे वायरों को बाहर रखा है, कोई वायर अंदर नहीं है। अंदर रहेगा वायर तो उसका इंसुलेशन है वो जल जाएगा जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए हमने सारे वायरों को बाहर रखा है। और जो भी वायर अंदर है जैसे कि हीटिंग रॉड के वायर अंदर है और स्विच के वायर अंदर है, उन सभी पर हमने फाइबर स्लिप चढ़ा दी है। और दोस्तों ऐसे आपको कनेक्शन कर लेना है। यहाँ पे हमने दो वायर लिए हैं, इसमें हम न्यूट्रल फेस से कनेक्शन कर देंगे ताकि हम यहाँ से रूम हीटर को चला सकें। तो ऐसे कनेक्शन करने के बाद आपको सोल्डिंग कर देनी है। सोल्डिंग नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको टेप लगा देनी है। हमने हीट रेजिस्टेंट इसमें टेप लगाई है, आप नॉर्मल टेप भी लगा सकते हो क्योंकि इसकी बॉडी हीट भी होगी तो तुरंत तुरंत ठंडी भी होती रहेगी और इतनी ज़्यादा हीट नहीं होगी क्योंकि सारी हीट है वो आग की तरफ फेंक देगा। और उसके बाद हमारे पास LED TV के स्टैंड पड़े थे तो उनका हमने इसमें यूज़ किया है। और यहाँ पे हम इसको नट बोल्ट से कसने वाले हैं, तो ये थोड़ी नीचे है तो उसके लिए हम ऐसे ही कोई रबड़ का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसको पकड़ सकें। और उसके बाद हम ऐसे हम नट से टाइट कर देंगे इसे। तो ऐसे हमने इस फ्रेम में स्टैंड को टाइट कर लिया है, आप देख लो एक बार। और इसके बाद हम इसमें वायर मैश लगाएंगे या फिर इसको जाली बोलते हो आप, ये हम लगाएंगे इसमें स्क्रू से। और ये हमें जाली 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिली है। यहाँ पर हमने टीवी के स्टैंड का यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास पड़े हुए थे तो हमने इसको लगा लिया। या फिर आप इसको सीट से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पत्ती से आप इसको बना सकते हो, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही से वर्क करेगा। तो हमने ऐसे इसको टाइट कर लिया है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा खोल के और इसके अंदर फंसा दिया है इस जाली को, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ऐसे हमारा रूम हीटर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसकी टेस्टिंग करेंगे और इसका एक बार लुक देखेंगे कैसा दिख रहा है ये। तो दोस्तों आपको ये रूम हीटर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, आपके सामने टेस्ट हो रहा है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो ऐसे हमने लगा लिया इसे और इसके बाद हम इसको चालू करेंगे, आपके सामने चालू करेंगे, कोई फेक वीडियो नहीं है ये। ऐसे हमने चालू कर लिया इसे और यहाँ पर आप देख लो कैसे कितनी जल्दी ये हीटर रॉड गर्म हो रही है और इसकी हीट काफ़ी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, देखो एक बार। और इसके बाद हम दूसरा भी इसको चालू कर देते हैं
और हम इसमें करंट भी चेक कराएंगे, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और दोस्तों अगर आप सिंगल रॉड को चलाओगे तो 400 वाट पावर कंज्यूम करेगा, और दोनों रॉड को साथ में चलाओगे तो 800 वाट पावर कंज्यूम करेगा, और 400 वाट कम बिजली खाएगा 400 वाट चलाओगे तो, और 800 वाट दोनों रॉड को चलाओगे तो ज़्यादा बिजली खाएगा या पावर ज़्यादा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको दिख रहा होगा ये कुछ इसका लुक, आप देख लो एक बार, और इसका करंट आप देख लो एक बार। हमने टेस्टर से एक बार चेक करा दिया, देख लो एक भी करंट नहीं आ रहा, पूरी बॉडी में कहीं भी करंट नहीं है। तो गाइस ऐसे आसान तरीके से आप घर पर ही रूम हीटर को बना सकते हो आसान तरीके से, पर आपको सही से सेफ्टी का ध्यान रख के इसको बनाना है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।